पर ज़्यादा दिखा इस ब्यूटी को ले जाए दूर से। देखिए भिंडी बाज़ार मोहम्मदी रोड के बाद एक बाज़ार है जिसको बोलते हैं चोर बाज़ार, बहुत पुरानी बाज़ार है, बहुत मशहूर है। वहाँ पर एंटिक के सामान, हीरे जवाहरात भी, फर्नीचर्स, पुरानी घड़ियाँ, नहीं सारे एंटिक के सामान वहाँ बिकते हैं। और वहाँ पर अंग्रेज़ विदेशी लोग बड़ी तादाद में आते हैं। अब SBUT एक कंपनी है, एक ट्रस्ट है जो आज वहाँ पर डेवलपमेंट कर रहा है। वहाँ हांडीवाला मस्जिद है और मस्जिदें हैं, उन सब के रास्ते बंद कर रहा है। और जब लोग एजिटेशन करते हैं तो पुलिस की भारी टीम आगे खड़ी हो जाती है और एजिटेशन करने वालों पर लाठी बरसाती है और उन्हें उन पर केसेस दर्ज करती है। यानी जमहूरियत में जो आज हक मिला है वो भी छीना जा रहा है। और ये कहते हैं SBT वाले कि ये सारा का सारा जो जो डेवलपमेंट हो रहा है ये गवर्नमेंट का डेवलपमेंट है, जबकि बिल्कुल झूठ है। गवर्नमेंट का डेवलपमेंट कोई नहीं है, और किसी का भी डेवलपमेंट हो लेकिन किसी आदमी की दुकान को तोड़ करके उसे भगाना भगाया नहीं जा सकता। वहाँ पे 80 टेनेंट हैं जो बिल्कुल जिनकी दुकानें हैं एंटिक की, उनको एग्रीमेंट करना था उनसे, उन्होंने सबसे वादा किया कि 400 रुपये फुट देंगे आपको और आपको यहीं बना के मिलेगा। लेकिन जब उनको लगा कि अब मुझे 70% की सिग्नेचर हो गई है तो बाकी लोगों से बात करने को तैयार नहीं, बोले आपको कहीं उठा के फेंक देंगे। बिल्डिंगें टूट चुकी हैं, कोई सुनने को तैयार नहीं। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि आप इस पर दखल दीजिए और दखल देकर बुलाइए उनको, और कानून के मुताबिक होना चाहिए। मस्जिद का रास्ता बंद कैसे कर सकते हैं, एक पूरी मेन सड़क कैसे कोई बंद कर सकता है? ये जो हो रहा है ये बहुत ही अन्याय हो रहा है, बहुत दादागिरी गुंडागर्दी हो गई है और पुलिस के बल पर ये गुंडागर्दी हो रही है, इस पर रोक लगना चाहिए। कांदीवली का है? नहीं नहीं, देखिए ऐसी बिल्डिंगें जो सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है उस पर इंक्वायरी करके ऐसी बिल्डिंगों को परमिशन कैसे मिला। अभी मैं देख रहा हूँ कि बाइकल्ला जेल के पास साबू सिद्दीक है, साबू सिद्दीक के लोग परमिशन मांग रहे हैं और उसी के बगल में दूसरी बिल्डिंगें खड़ी हैं, लेकिन साबू सिद्दीक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, उसको परमिशन नहीं मिल रहा बिल्डिंग बनाने का। बहुत कोशिश हो रही, शायद अभी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन बहुत परेशान किया जा रहा है। तो अगर कहीं भी सिक्योरिटी को कहीं ऐसा लगता है कि ख़तरा है तो ऐसी बिल्डिंगें अगर किसी ने पास किया है तो उनको सस्पेंड करना चाहिए और ऐसी बिल्डिंगों को बिल्कुल पास नहीं होना चाहिए। नहीं, खतरा तो हो सकता है ना, क्यों नहीं। बात आज दूरबीन से आज जो है एक एक जो है सिर्फ अगर आप वो बंदूकें देखें, आप गन्स देखें आप, तो दो दो किलोमीटर की मार करती है गने। और इस खतरा तो बहुत ज़्यादा है, अगर इस पर चढ़ के किसी ने कुछ अंदर की चीज़ें लिया, उसको जो है अपने दुश्मन मुल्क को दे दिया या वहाँ कोई अटैक कर दिया, तो बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। इसको तुरंत फिर कहीं ना कहीं रोक लगना चाहिए और सरकार इसमें फेल है।